नमस्कार दोस्तों, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम जा रहे हैं माता सिंह वाहनी मंदिर जो कि भटिया में है, जैतपुर के पास। अभी हम शेड्यूल से निकले हैं और दिया पीपर से हमने टर्न ले लिया है। तो बता दें कि भटिया जाने के लिए आप दो रास्तों से जा सकते हैं। पहला तो आप बुढ़ार होकर जा सकते हैं, या फिर जहाँ से हम आ रहे हैं यानी शेड्यूल रीवा मार्ग से दिया पीपर से रोड निकलती है भटिया जाने के लिए। और यहाँ अभी हम एक गांव पड़ता है बरेली, तो बरेली गांव के पहले हम अभी रुके हुए हैं। यहाँ का जो दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हमने सोचा लगे हाथ आपको भी इस दृश्य को दिखला दें। और आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र भाई साहब जी हैं, और आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो हम दोनों ने आज, चूँकि आज अवकाश का दिवस है, रविवार है, इस वजह से चलो माता जी के दर्शन कर लें। और लगे हाथ आपको भी एक बढ़िया सा सुंदर सा ब्लॉग मिल जाएगा। तो यहाँ हमारी प्रयास रहेगी कि हम जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो बाज़ार है, हाट बाज़ार है, उसे भी हम दिखलाएं, साप्ताहिक बाज़ार। तो हमारा जो रूट रहेगा बरेली, बरेली से चुहरी, चुहरी से रसमोहनी, और उसके बाद भटिया। और यह भी प्रयास करेंगे कि अगर समय रहा तो हम जैतपुर को भी टच करेंगे, जैतपुर भी काफ़ी अच्छा है। और बता दूं कि इससे पहले भी जब मैं इधर आता था तो मार्केटिंग वगैरह करता था, तो एक आपको दृश्य दिखला दूं कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। और आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे बताइएगा। तो देख सकते हैं भाई साहब कितना सुंदर लग रहा, पहाड़ वगैरह चारों तरफ, बढ़िया सुंदर सी धूप खिली हुई है, तो अच्छा लग रहा है। और चलते हैं हम सीधे मंदिर की ओर और आपको दर्शन कराएंगे। तो देख सकते हैं ये है कुछ दृश्य इस प्रकार का। और बता दूं कि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन आगे मैं आपको बता दूं एक बंधा वगैरह भी है खूब सुंदर सा, और पानी वहाँ काफ़ी स्वच्छ दिखलाई दे रहा था। तो अगर आप गोपारू होते हुए इस रूट को कवर करेंगे जब आएँगे, तो ये जो पहाड़ आप सामने देख पा रहे हैं तो बिल्कुल बगल से रोड गई है, काफ़ी सुंदर लगता है। और अभी हम पहुंच गए हैं बरेली ग्राम। और ये देखिए यहाँ से जो अभी भाई साहब जा रहे हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं गोपारू की ओर। और इसके ग्राम पंचायत बरेली आपका हार्दिक स्वागत करता है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ से हम सीधे चलते हैं, ये है जैतपुर मार्ग, यहाँ से आप भटिया जा सकते हैं और जैतपुर की ओर जा सकते हैं। और वहीं अगर आप आगे जाना चाहेंगे तो बुढ़ार वगैरह भी जा सकते हैं, यहाँ से भी रास्ता मिलेगा आगे चल के। तो काफ़ी सुंदर सा गाँव मुझे लग रहा है बरेली। और भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब काफ़ी अच्छा ड्राइविंग कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है देखकर, और इनके द्वारा हमेशा मेरा सहयोग किया जाता है। बता दें कि ये जो गांव है आदर्श ग्राम की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहां पर जो स्वच्छता है, साफ सफाई काफ़ी अच्छी है। जो पुराने चीज़ देखते हैं उसके ज़्यादा लोग लाइक है ना। और देख सकते हैं ग्रामीण परिवेश कितना अच्छा लगता है, और जो घर बने हुए हैं पुराने पैटर्न के वो काफ़ी अच्छे हैं, और इनमें एक सुकून सा एहसास होता है, काफ़ी अच्छा लगता है बता दें। तो देख ही सकते हैं, ये हमने अभी बरेली ग्राम पार कर लिया है, और बरेली ग्राम के बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा चुहरी में, और वहाँ हम हल्का सा जलपान वगैरह भी ग्रहण करेंगे। तो ठीक है, सीधे मिलते हैं हम चुहरी में। तो देख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, गेहूं है, धान है, देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और यहाँ पर अभी बता दूँ धान कटाई होके रखा हुआ है, और ग्रामीण परिवेश में कहा जाए तो खेती किसानी यही सब चीज़ें रहती है, और काफ़ी अच्छा लगता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर जब हम आते हैं गांव के परिवेश में, एक मतलब आत्मीय सुकून प्राप्त होता है, किसी प्रकार कोई चिक चिक पैरा निकलता है। जी जी, तो
ये जो आप पैरा देख सकते हैं, ये जो है धान कहाने के बाद ये पैरा निकला हुआ है। तो भाई साहब अभी हम आ गए हैं चुहरी गांव में, और चुहरी गांव में एंट्री कर रहे हैं और देख सकते हैं काफी कुछ बदल गया। मैं आपको बता दूं, मैं आता था यहाँ पे 2011 में 2010 में, और उसके बाद मेरा मतलब काफी सालों बाद यहाँ पर आना हो रहा है। तो देख सकते हैं बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है चुहरी गांव में। जो चुहरी गांव के लोग हैं तो भाई सबको मेरा हाय हेलो है। तो अगर आप भी चुहरी गांव से हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक खेल का मैदान हुआ करता है, लेकिन अभी बच्चे लोग खेल नहीं रहे हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था परिवर्तन की, तो कहते हैं प्रकृति का नियम ही है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो हर चीज़ में परिवर्तन होता है। तो देख सकते हैं ये चुहरी गांव हम एंटर कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ आया करता था तो मोबाइल सेगमेंट में मैं मार्केटिंग किया करता था। तो इस पूरे एरिया में आना, काउंटर बनाना और उन्हें मोबाइल वगैरह सप्लाई करना, यही सब मेरे काम रहा करते थे। और ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा गांव है। ये जो पीपल का वृक्ष है आज भी मुझे याद है, काफ़ी बढ़िया सा वृक्ष है। और चुहरी गाँव हम पहुँच गए, ये मुख्य मार्केट कहलाता है चुहरी गाँव का। तो देख ही सकते हैं दोनों दुकानें वगैरह हैं, और अभी तो ऑटो पार्ट्स वगैरह की दुकानें भी खुल गई हैं। तो ये देख सकते हैं बैलगाड़ी, काफ़ी दिनों बाद हमें बैलगाड़ी देखने मिल रही है। तो हालांकि शहर में अब इसका चलन नहीं दिखेगा आपको, बैलगाड़ी वगैरह का आपको दिखाई नहीं देंगी। तो चुहरी गांव की बात कर रहा था, देख सकते हैं बढ़िया मार्केट डेवलप हो गया चुहरा था, और यहाँ पर ये मंदिर भी है एक, और ये देखिए पेट्रोल पम्प भी खुल गया है चुहरी गाँव में। जबकि हम जब आया करते थे तो भाई गोपारू से जब हम निकलते थे तो जैतपुर के बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं हुआ करता था। चुहरी में एक शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय भी है, ये अभी नया भवन बना है। मैं जहाँ तक जान रहा हूँ कि जब मैं आया करता था तब ये विद्यालय संचालित नहीं हुआ करता था। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि भटिया तक का अगर हम पूरा ब्लॉग एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, इसलिए हम अलग अलग पार्ट में हम इसे दिखाएंगे। तो अगले पार्ट में हम कवर करेंगे जैतपुर तक, रसमोहनी जैतपुर तक, और उसके अगले भाग में हम देखेंगे भटिया स्थित माँ सिंहवानी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।